देर कर दी जलावन लाने में। जंगल में लकड़ी मिलती कहाँ है, धीरे धीरे सारा जंगल खाली होता जा रहा है। हाँ, ये बात तो है। लकड़ी चुन के ले ले। बहुत दिनों के बाद मेरी याद आई। क्या करे बहन, तुम्हें तो मेरी याद आती ही नहीं, सोची मैं ही तुमसे मिला हूँ। आओ कमला बैठो। पूजा बेटा। हाँ माँ। मौसी जी के लिए चाय बनाओ। बनाती हूँ माँ। बहन, बेटियाँ इतनी बड़ी हो गई है, तुम इनकी शादी क्यों नहीं कर देती? तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घर की क्या स्थिति है, कैसे कैसे हम लोग समय गुजार रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी शादी कैसे करें। बहन, अगर तुम इनकी शादी करवाना चाहती हो तो मेरी नज़र में एक रिक्शा वाला है, थोड़ी उम्र ज़्यादा है लेकिन कुमारा है, अगर तुम्हें मंजूर हो तो बोलो। अब इस गरीबी में अगर बेटी की शादी हो जाए तो मुझे और क्या चाहिए। ठीक ठीक है बहन, समझो कि श्वेता की शादी हो गई। सैया
चाहते हो, ऐसा क्यों करते हो? कुंडे खड़काते हो ना सांदल बजाते हो, पर्दा उठाए बिना अंदर घुस जाते हो। कभी इस करवट कभी उस करवट, सोने ना देते सारी रात जगाते हो। अपना सताओ थोड़ा दूर हट जाओ, हाल पे मेरे तरस कम खाओ। मेरी इन बातों को तो मान लोगे क्या, मान लोगे क्या, मान लोगे क्या? प्यार करने में ही बलम जी, बोलो ना मेरी जान लोगे क्या? प्यार करने में ही बलम जी, बोलो ना मेरी जान लोगे क्या? प्यार करने में ही बलम जी, बोलो ना मेरी जान लोगे क्या? क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? छी, गंदी बास आ रही है। अरे रात भर जागती रही, ओह मैं तो भूल ही गया कल हमारी सुहाग रात। बेवड़ा कहीं का, खुद तो पी के सो गया, अब पूछता है सोई नहीं, बेवड़ा कहीं का। आ जाओ बाबू। अभी तक आया नहीं। अच्छा अब चलते हैं। मुझे नींद आ रही है। आज हमारी शादी का पहला स्वागत और हमारी बीवी सो रही है, अभी मैं जगाता। अरे आप, आप कब आए? कहाँ चला मैं?
साड़ी तो झलर मलर झलर मलर शादी के कहाँ जाए कमर 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 चल है तो जखर डहर 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 उड़ो हो दूर कचर डहर 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 बीधन साड़ी क्या मुझे खिला रही है? ना सब्जी है ना ताजा रोटी है, ये रात का बासी खाना खिला रही है। क्या मैं कुत्ता हूँ जो रूठा सूठा बासी मुझे खिला रही है? तू अपने खाती है ताजा, हमारा बासी खिला रही है। नहीं खाना मुझे, घर में राशन का एक दाना नहीं है। मैं कहाँ से बनाऊंगी ताजा खाना? तो जो तुम कमाते हो वो दारू गांजा पी जाते हो। अगर तुम्हें ताजा खाना खाना है तो जाकर लेकर आओ राशन, फिर मैं तुम्हें बना के दूंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ राशन लेके आ रहा हूँ। क्या उस्ताद, क्या हाल है उस्ताद? Cheers! गए हैं तो अब तक आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगता है राशन लेने की जगह दारू पीने चले गए। रसीला भैया, जब तक मजा आता तब तक दारू ही खत्म हो गया। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मेरे पास राशन का पैसा है ना, अभी दारू मंगाते हैं, सबको पिलाएंगे। जाओ लेकर आओ। मान गए भैया, मान गए, आप बहुत महान। राशन का पैसा भी दारू पीने दे दिए। अरे भाई, पहले अपना पेट भरो फिर घर वाली का। ये
यहाँ मेरी भूख से हालत खराब हो रही है और इनको घर की चिंता ही नहीं है। प्रणाम मालिक। हाँ बोलो क्या चाहिए? मुझे घर के लिए राशन चाहिए। हाँ तो ले लो। मालिक मेरे पास पैसे नहीं है मालिक, मुझे उधार चाहिए। मैंने क्या यहाँ खैरात खोल रखा है जो बांटता रहूं? नहीं नहीं मालिक, आपका पैसा जल्दी चुका दूंगा मालिक। दारू पीने के लिए पैसे हैं और राशन खरीदने के लिए नहीं है, चल भाग यहाँ से कमीना। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। अभी अभी मेरी शादी हुई है, हमारी बीवी भूखी है। ऐसा मत कीजिए, मैं आपका पैसा जल्दी चुका दूंगा मालिक। तुम्हारी नई नई शादी हुई है? हाँ मालिक, अभी कुछ दिन पहले शादी हुई है। ओहो, तब तो बहुत ही बुरा लग रहा होगा। नई नई बीवी घर में भूखी रहेगी तो? हाँ मालिक, आप दया कीजिएगा तो मेरी बीवी खाना खा लेगी। अरे क्यों नहीं, तुम तो हमारे अपने आदमी हो, ओके नहीं? जी मालिक। अभी मैं तुम्हारी बीवी के लिए राशन भरवाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बीवी तुमको प्यार तो करती है ना? जी मालिक, मेरी बीवी बहुत अच्छी है। हमें भी तो मिलवाओ अपनी बीवी से, मैं भी तो देखूं तुम्हारी बीवी कितनी अच्छी है। क्यों नहीं मालिक, आप जब मिलना चाहें। अच्छा शाम को आए? आपका ही घर है मालिक, आप आ जाइए। राशन का सारा सामान इस थैले में भर के दे दो। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? रसीला मालिक, रसीला रिक्शा वाला। अच्छा नाम है रसीला रिक्शा वाला। ये लो रसीला, अपने घर ले जाओ और अपनी बीवी को खिलाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, अब मैं जाता हूँ। ठीक है रसीला जाओ, हम शाम को आते हैं। जी मालिक, प्रणाम। मालिक इसको उधार सामान क्यों देते हैं? ये एक नंबर का ब्यौरा है, ये पैसा नहीं दे पाएगा, ये तो सारा पैसा दारू में पी जाता है। अरे तुम नहीं समझोगे, शिकार को फंसाने के लिए चारा डालना ही पड़ता है। ए लो राशन, हमारे सेठ जी ने दिया है, वो भी हमारे घर आ रहे हैं। तुम कुछ नाश्ता बना लो। रसीला, रसीला। जी मालिक। आइए मालिक, बैठिए मालिक, बैठिए मालिक। ये लो रसीला।
अभी इंतजाम करते हैं। किधर गई सुनती है? जी हाँ। मालिक के लिए नाश्ता लेकर आओ। अभी लाई। वाह मालिक, आप अंग्रेजी लेकर आए हैं, ये तो बहुत बढ़िया हो रहा। आज अंग्रेजी पी कर देखो, मजा आएगा। वाह मालिक, मजा आ गया, मैं पैक बनाता हूँ। बहुत बढ़िया। क्या मालिक? मेरा मतलब नाश्ता बहुत अच्छा है, मजा आएगा। हाँ मालिक। क्यों, कैसा लगा, मजा आया? वाह मालिक, अंग्रेजी शराब का मजा ही कुछ और है मालिक। बहुत अच्छा लगा मालिक। पियो और मजा करो। जी मालिक, मजा आ गया मालिक। और नाश्ता लेकर आओ। जी ला रही हूँ। खाइए मालिक। रसीला, अब मैं चलता हूँ। मालिक, इतनी सारी अंग्रेजी बच गई है, ए इसे मैं रख लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, रख लो, और चाहिए तोड़ ले लेना, ठीक है? ठीक है मालिक, मैं चलता हूँ। बेवड़ा कहीं का, ये नहीं सुधरेंगे। अब मैं कल पे हूं रहा। सो गए। अरे अरे छोड़। ये जालिम बड़ी मजेदार चीज है, मुझ जैसे मुर्दों में भी जान ला देती है। ये साली बड़ी महंगी है, ये सेठ जी जैसे लोगों के लिए, मगर सेठ जी से मैं मांग लूंगा।
मेरी शराब को बहुत जबरदस्त है मालिक, वो तो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। मालिक फिर से एक बार अंग्रेजी शराब हमारे घर आ जाए, लेकिन आपके यही तुम्हें तो करना होगा कि आगे हमारा मालिक बन जाता है। बस हमें भी कभी अपने साथ तैयार बात करा दो और तुम्हें पैसा भी दूंगा और अंग्रेजी शराब भी मंजूर है। क्या मालिक का फिर इसमें हर्जी क्या है, इसको पता भी नहीं चलेगा। ये लो, आप बोलो क्या बोलते हो। बाहर बहुत बारिश हो रही है, बारिश का महीना है मालिक सामान लेके आए हैं, जल्दी से नाश्ता बना लो, जाओ। आइए मालिक बैठिए। लो, अरे मालिक बड़ा खंभा। लो, अरे मालिक बड़ा खंभा, ये तो बहुत है। आइए मालिक बैठिए। नाश्ता लेकर आओ। जी मालिक। जी है। खाइए मालिक। बात है मालिक, आज तो हमारी पूरी रात रंगीन हो जाएगी मालिक। तुम्हारी रात तो रंगीन हो जाएगी, लेकिन हमारा क्या होगा? अरे मालिक चिंता क्यों करते हैं मालिक, हमारा सब कर देंगे। पीजिए मालिक। पानी डालने दीजिए मालिक, लीजिए पीजिए मालिक। अरे पानी ले जाओ। क्या कर रहे, छोड़िए मेरा हाथ। क्यों, क्या कहते हो, छोड़ दे। नहीं मालिक, जाइए अपना उसका गर्मी साफ कर दीजिए। ये क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सारा, तुम्हारे शरीर की गर्मी के साथ तुम्हारा जमीर भी मर गया है क्या? कमीने, जो गैर मर्द के हवाले कर रहे हो, कमीना कहीं का इकार है तुम पर। अरे चिल्लाती क्यों है, चल तो सही। अरे सेठ जी, अब आप क्यों इतना मचल रहे हैं? अब मचलने की बारी तो मेरी है। जब इस कमीने ने आप जैसे कुत्ते के सामने हड्डी फेंक दी है, तो क्यों ना इस कमीने के सामने हड्डी चबाइए। आइए चबाइए।
चबाइए सेठ जी, चबाइए, जितना चबाना है चबाइए, चबाइए ना। नजरों से देख ताकि तू चैन से दारू पी सके। अरे क्या हुआ, क्यों मुझे झाड़ पे चढ़ाकर नीचे गिरा दिया? तुझे क्या लगा मैं बाजारू औरत हूँ जो तू मुंह मारने चला आया? चले जाए यहां से। अरे मेरे पास आजा। नहीं सेठ जी, तुझे मैं खुश कर दूंगा। खबरदार सेठ जी, आगे मत बढ़ना वरना मैं जान ले लूंगी। ठीक ठीक है, मैं जाता हूँ। श्वेता, 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 उठो। अरे बाप रे बाप, हरम जाते मुझे लात मार दिया। कमीने, जब तुझे खिलाने की औकात नहीं होती बीवी को तो शादी क्यों करता है और बच्चा पैदा करने के लिए दूसरे मर्द को बुलाता है, और तू यहाँ बैठ के ठाट से दारू पिएगा? क्यों, तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? तुम्हारे अंदर गैरत है या नहीं? नहीं है, नहीं है, नहीं है, मेरे अंदर गैरत। मैं दारू पीऊंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुमको रहना है तो रहो, और नहीं तो जहाँ जाना है तो तुम जा सकते हो। यही तो एक औरत की मजबूरी है कि कहाँ जाए और किसके पास जाए। हर जगह तो उसे शोषण ही होना पड़ता है, और उसमें भी गरीब होना तो सबसे बड़ा अभिशाप है। मुझे तुम्हारे बकवास नहीं सुननी है। मुझे आज भौजी, ए भौजी, क्या हुआ भैया? भौजी भौजी, रसीला भैया का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या भैया, आप मुझे उनके पास ले चलोगे? हाँ भौजी, भैया जल्दी चलो, भैया जल्दी चलो सर। क्या हो गया आपको? तुम यहाँ कैसे आए? मुझे पप्पी जी लेके आए, वो बाहर खड़े हैं। मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई, अब मैं नहीं बचूंगा। नहीं नहीं, आप ऐसे मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। आप इन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, इनका पैर फ्रैक्चर हो चुका है, सर में गहरी चोट लगी हुई है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लगभग 50,000 का खर्चा आएगा। 50,000? जी हाँ 50,000, आप पैसों का इंतजाम कीजिए। जी
रसीला, रसीला। अरे रसीला को क्या हुआ? मैंने सुना रसीला का एक्सीडेंट हो गया है। जी सेठ जी। अरे अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने सुना तो मैं भागा भागा चला आया, क्या करें। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। सेठ जी मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मुझे अपने पति के इलाज के लिए पैसे चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, कितने पैसे चाहिए? जी 50,000। 50,000? जी सेठ जी 50,000, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। 50,000 तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इससे मेरा क्या फायदा होगा? मैं तो एक व्यापारी आदमी हूँ जो मुफ्त में अपने शरीर का मैल भी ना दूं। लेकिन तुम तो 50,000 रुपया मांग रही हो। भगवान के लिए हमारी मदद कर दीजिए, ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम कह रही हो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त? हाँ शर्त। तुम्हें बिना कपड़ों के मेरी गोद में आकर बैठना होगा। हा? ठीक है मैं जाता हूं, लगता है तुमसे नहीं हो पाएगा। सेठ जी उतारती हूं अपने कपड़े, बस आप मुझे पैसे दे दीजिएगा। लगता है तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा अपने सारे कपड़े उतार कर। लगता है तुमसे नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं मैं चाहता हूँ। मैं करती हूँ। Thank you.
बेवकूफ समझ रखा है, जो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे दूंगा। और तुमने क्या कहा था कि मैं बाजारू नहीं हूँ, लेकिन देखो आज तुम बाजारू बन गई हो। नहीं सर जी, ऐसा मत कीजिए। छोड़ो मेरा पैर। और क्या रखा है रसीला में? दिन भर दारू गांजा पीकर नामर्द बन गया है वो। नहीं, तुम मेरी बात मानो, तुम किसी और से शादी कर लो। पैसे की बात दोबारा मत करना। अरे देखो ना, चलो चल के देखते हैं। क्या हुआ बहन, क्यों रो रही है? हाँ बताओ ना, क्यों रो रही हो, क्या बात है? बहन, मुझे मेरे पति का इलाज कराना है, मुझे पैसे चाहिए। ठीक है बहन, पर हम लोग के पास इतने सारे पैसे नहीं है, नहीं तो हम लोग जरूर मदद करते। एक काम हो सकता है। क्या? चलो चलो बहन, हम चलते। रुको रुको भैया, रुक जाओ, आ जाओ। आ गए तुम? हेलो हेलो। आइए, आप सब आइए। आप सब बैठो, मैं आती हूँ। ओके चलो। मुझे पैसे दे दो, मुझे मेरी सहेली को देना। ओके ओके डार्लिंग। तुम बहुत अच्छे हो। मैं अभी आई। ओके ये लो। ठीक है मुस्कान, तू अपना काम कर, मैं इसे छोड़कर आती हूँ। ठीक है चलो। अरे संभाल कर, गिर जाऊंगी। चिंता मत करो मेरी जान। प्रणाम। ये लीजिए डॉक्टर साहब, 5,000 रुपए, बाकी का इंतजाम करती हूँ। ठीक है जी, नमस्ते।
हेलो हेलो, मैं एक नई आइटम को लेके आ रही हूँ, कीमत ज्यादा होगी। अरे रिया रानी, पैसे की चिंता मत करो, बोलो कितना लोगे? 10,000। बस आ जाओ लेकर। ठीक है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। आइटम तो अच्छी है। अरे साहेब, तो देर किस बात की, निकालिए पैसा और मिलिए अपने नए आइटम से। तुम भी कमाल करती हो रिया रानी, बिना पैसे के कोई बात तुम करती ही नहीं हो। अरे साहेब, चमड़ी बेच के तो दमड़ी कमाती हूँ, और फिर फोकट का मिलता क्या है। अब देर ना करो साहेब, फटाफट माल निकालो और अपना एंजॉय करो। आओ मेरे साथ। ये लो पूरे 10,000 रुपया। वाह साहेब, जल्दी भेजो, अब ज्यादा इंतजार नहीं होता। अरे साहेब, अभी मैं आपकी किस्मत में पेश करती हूँ। ये लो पैसे, अब तुम जाओ, कल मिलते हैं। चल मुस्कान, तुम मेरे साथ आ जाओ। ठीक है। अरे वो आइटम किधर है? वो तो चली गई साहब। चली गई? कैसे चली गई? वो इस धंधे में नहीं है, उससे कुछ पैसों की जरूरत थी तो मैंने आपसे लेकर दे दिए। पैसे दे दी? मतलब मेरा काम कौन करेगा? अरे साहब, आपके लिए मैं हूं ना। नहीं नहीं, तुम पुरानी हो गई हो, मुझे तो नई नई आइटम चाहिए। बुलाओ उसे, नहीं तो क्या साहब, क्या कर लोगे? शायद आपको पता नहीं है कि हम एक रंडी हैं और रंडी की कोई सीमा नहीं होती। करनी है आपके पैसे की वसूली तो कर लीजिए, नहीं तो मैं चली। अरे साहेब, गुस्सा क्यों करते हैं? आज चलिए, एक के पैसे में दो का मजा ले लीजिए, हम भी तो देखें आपके अंदर कितनी गर्मी है। तुझे क्या चाहिए? बोलो बोलो मेरे राजा, तुझे क्या चाहिए? बोलो बोलो मेरे राजा, तुझे क्या चाहिए? मेरा अंग अंग देखो नया नया बोलो मेरे राजा, तुझे क्या चाहिए? बोलो बोलो मेरे राजा, तुझे क्या चाहिए? बोलो बोलो मेरे राजा, तुझे क्या?
बड़े कहने का सारा गुण है। मेरा बदन हर कला में निपुण है। सोलह भाड़े कहने का सारा गुण है। ले लो यो मन का यदि जल जला चाहिए या फिर गरम गरम सांसों की हवा चाहिए। बोलो बोलो मेरे राजा बोलो ना, बोलो बोलो मेरे राजा तुझे क्या चाहिए। बोलो बोलो मेरे राजा तुझे क्या चाहिए। बोलो बोलो मेरे राजा तुझे क्या चाहिए। साले को इतना निचोड़ा कि 6 महीने तक इस आइटम को भुलाना भूल जाएगा। जी जी हो जाएगा, आप भिजवा दीजिएगा मैं देख लूंगा। जी नमस्ते। ठीक है जी नमस्कार। ये लीजिए डॉक्टर साहब 10,000 रुपए। ये क्या तुम थोड़े थोड़े पैसे लाके जमा कर रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारे पति का ऑपरेशन कम्प्लीट हो चुका है, तुम्हें पूरे पैसे जमा करने होंगे। डॉक्टर साहब जल्दी सारे पैसे दे देंगे। ठीक है और पैसों का इंतजाम कीजिए। नमस्ते। नमस्ते। पता नहीं अभी तक दोनों बहनें आई नहीं, अब क्या करूं? मैं भी जाती हूं। मौसम भी कितना अजीब है, कभी धूप कभी बारिश। ऑटो परेशान लग रही हो? कहाँ जाना है? घबराओ मत, बताओ क्या परेशानी है? अरे रे तुम रोने क्यों लगी? रो मत, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। समझ गई, तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे लेकिन तुम्हें काम करना होगा। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे अपने पति का इलाज करवाना है। ठीक है चलो मेरे साथ, मेरे यहाँ एक से एक रही जाते हैं। आपके पास? क्योंकि मैं कोठे वाली हूँ, लोगों का मनोरंजन करना मेरा काम है। मनोरंजन मतलब? मतलब जब तुम्हारे पैर में घुंघरू बंधेंगे तो तुम खुद समझ जाओगे। किस सोच में पड़ गई हो? चलो तो सही, माला माल हो जाओगी। पैसे तो मिल जाएंगे ना? अरे पैसे तो तुम्हारे कदम चूमेंगे, चलो तो सही। और हो गई हसीन जब से हुई मैं जवान। खूबसूरत आइटम की बन गई दुकान। और हो गई हसीन जब से हुई मैं जवान। और हो गई हसीन जब से हुई
पर लुट गई है किस्मत, मैं करती मोहब्बत हूँ मिलती है नफरत। जिंदगी के हर मोड़ पर लुट गई है किस्मत, मैं करती मोहब्बत हूँ मिलती है नफरत। करते बदमाशी सब हो और हो गई हसीन, जब से हुई मैं जवान और हो गई हसीन, जब से हुई मैं जवान। कमर पकड़ी थोड़ी देखे नी देखे चूमे गाल मतले सहलावे बदन मा। हाँ, कमर पकड़ी थोड़ी देखे निरखे यो मनवा, होठ चूमे गाल मतले सहलावे बदन मा। दिल के भीतर छाते नहीं कोई जवान और हो गई हसीन, जब से हुई मैं जवान और हो गई हसीन, जब से हुई मैं जवान और हो गई हसीन, जब से हुई मैं जवान। सीमा बाई बोलो, इस नगीने की कीमत क्या है? अरे वीर साहब, ये कोई ऐसी वैसी नगीना नहीं है, ये तो सीमा बाई की नगीना है और इस नगीने की कीमत कोई पारखी जोहरी लगा सकता है। इस नगीने की कीमत तो मैं ही दे सकता हूँ, और कौन है मेरे अलावा जो इस नगीने की कीमत मुझसे ज्यादा दे सकता हो? वीर साहब, आपके अलावा भी बहुत सारे कदरदान हैं जो इस नगीने की कीमत जानते हैं। सीमा बाई, मेरे अलावा तुमने इस नगीने का सौदा कहीं और किया तो मैं इस नगीने को जबरदस्ती उठा कर ले जाऊंगा। वीर साहब, आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो सीमा बाई के कोठे से जबरदस्ती उसके नगीने को उठा कर ले जाए। सीमा बाई, इस नगीने को तो मैं जबरदस्ती उठा कर ले जाऊंगा। अरे अरे छोड़ छोड़। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि वीर के शिकार पर हाथ डाला? जो औरतों पर अपनी ताकत आजमाता है वो मर्द नहीं, हिजड़ा कहलाता है, हिजड़ा। अभी मैं तुझे अपनी ताकत दिखाता हूं। आओ चलो मेरे साथ। आ जाओ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मुझे मेरे पति का इलाज कराने के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। कितने पैसों की जरूरत है मुझे बताओ, मैं दूंगा तुम्हें। जी डॉक्टर को 35,000 रुपए देने हैं। ठीक है। ये लो 35,000 रुपए और जाके अपने पति का इलाज करवाओ। ये क्या कर रही हो तुम? आप पैसे दे रहे हैं तो मैं तुम्हारे जिस्म के लिए तुम्हें पैसा नहीं दे रहा हूँ। तो फिर आप पैसे क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। और रही बात कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूँ, शायद तुम वो पहली औरत हो जो मुझे ईमानदार और भली लगी। पर मैं किसी से फ्री में पैसे नहीं लेती, इसलिए आप भी अपने पैसे के बदले में जो चाहे कर सकते हैं।
तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें फ्री में पैसे दे रहा हूं, तो जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे मुझे लौटा देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, अब जाओ देर मत करो, अपने पति का इलाज करवाओ। जी ठहरो, ये लो अपने पास रखो। और ये अब किस लिए? ताकि कभी जरूरत हो तो बात कर सके। ठीक है, नमस्ते। अब कैसी है तबीयत? अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मेरी वजह से तुम कितनी परेशान हो रही है। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम, क्या हुआ? अंदर आने के लिए नहीं बोलेंगे। सॉरी यार, आओ अंदर आओ, बैठो। और सब बताओ, कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, सोचा आपसे मिलने चलूं। आपने मुझको पैसे देकर बहुत बड़ा एहसान किया। क्या यही सब कहने के लिए तुम आई हो? तो मैं क्या बोलूं? अब तुम कुछ मत बोलो, पहले ये बताओ तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय कॉफी या ठंडा? नहीं कुछ नहीं, आप परेशान मत होइए। अरे कुछ क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए एक हॉट कॉफी बनाकर लाता हूँ। अरे आप क्यों परेशान होते हैं? इसमें परेशान होने की क्या बात है भला, मैं तो रोज ही बनाता हूँ अपने लिए। तो ठीक है, आज मैं आपके लिए कॉफी बनाऊंगी। अरे वाह, तब तो आज कॉफी पीने का मजा ही दुगना हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप मुझे बता दीजिए अब किचन कहाँ है। आओ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। क्या? हाँ मैं आपको चाहने लगी हूँ। तुमने तो मेरे दिल की बात ही कह दी, दरअसल मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग शादी कर लें। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। चलो 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 ना, चलो ना। हाँ? कहाँ जाना है? अरे कहीं नहीं, लगता है आप कहीं गहरे ख्यालों में खोए हुए हैं। नहीं बस कुछ ऐसे ही सोचने लगा था। अच्छा कुछ मुझे भी तो बताइए। कल मेरा बर्थडे है, तुम आओगी ना? हाँ क्यों नहीं, मैं तो आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। खबरदार, जो तुम जान देने की बात कही तो। अरे यार रोशन, तू ना कोई फोन ना कोई मैसेज, कैसे आना हुआ? सारी बात यही पूछ लोगे या फिर अंदर भी बुलाओ? आओ 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 अंदर आओ। क्या बात है भाई, शादी भी कर ली पर हमें खबर तक नहीं, इतनी भी जल्दी क्या थी? अरे मजाक कर रहा हूँ। यार रोशन, ये तुम्हारी भाभी नहीं है। भाभी नहीं है, फिर ये कौन है? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अच्छा तो मैं समझ गया, हमें ये टाइम पास वाली लगती है। तो क्या हुआ, मुझे भी मिलवाओ, मेरा भी टाइम पास कर देगी। रोशन खबरदार, अपनी जबान संभाल कर बात कर। समीर छोड़िए इसे, छोड़िए। लगता है बहुत गहरा प्यार है, जो बचपन के दोस्त का कॉलर पकड़ लिया, वो भी एक बाजारू औरत के लिए। रोशन खबरदार, जो तूने से बाजारू औरत कहा तो निकल जा इधर से, नहीं तो काट डालूंगा तुझे। Thank you.
श्वेता तुम कोर्ट आ जाओ जरा, मुझे तुमसे कुछ काम है। मैं वकील साहब के पास बैठा हुआ हूँ। अच्छा ठीक है। देखिए मैंने आपके सारे कागजात तैयार कर दिए हैं, आप श्वेता जी को बुला लीजिए। वकील साहब वो थोड़ी देर में आती ही होगी, मैं जरा बाहर जाकर के देखता हूँ। ठीक है। नमस्ते। मिस्टर समीर आपके गवाह में कौन है? गवाह? जी हाँ, इसके लिए आपको एक गवाह की आवश्यकता होगी। ठीक है मैं देखता हूँ। वकील साहब गवाह किस लिए बुलाया जा रहा है? किसी भी कानूनी विवाह के लिए गवाह की आवश्यकता होती है। विवाह? किसका विवाह? आप श्वेता जी हैं ना? जी। आपके और मिस्टर समीर के विवाह के लिए एक गवाह की जरूरत है। वकील साहब मैं एक जरूरी फोन करके आती हूँ। ठीक है। नमस्ते। वकील साहब ये श्वेता जी कहाँ गई? वो अब फोन पर बात करते हुए अभी बाहर गई है। ठीक है। हेलो। हेलो कहाँ हो श्वेता? बिना बताए मुझे क्यों तुम चली गई? तुमने भी तो बताया नहीं, बिना बताए कोर्ट मैरिज के लिए ले गए। और तुम्हें पता है ना कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपने पति को बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ। श्वेता मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। समीर तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं अपने पति को छोड़कर तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी, तुम्हारा बिस्तर भी गर्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और हाँ, तुम्हारा मेरे ऊपर कर्ज है जो तुमने मेरे पति के इलाज के लिए दिया था, वो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। और हाँ, आज के बाद मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना, मेरे लिए मेरा पति ही सब कुछ है। अरे श्वेता जी आप, लगता है कोई परेशानी है, क्या बात है बताइए। परेशानी बताने से क्या आप मुझे पैसे दे दोगे? आप बोल के तो देखिए। मुझे 35,000 की जरूरत है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो। तो ठीक है मैं तैयार हूँ। लेकर आंसू बहाती है, धंधा भी करती है और आंसू भी बहाती है साली। ये ले।
छोड़ मुझे, नहीं मुझे नहीं जाना है माँ, मुझे मत भेजो, मुझे मत भेजो माँ, मुझे मत भेजो माँ, नहीं माँ मुझे नहीं जाना, नाटक करेगी, साहब के साथ जाना ही होगा, साहब ले जाओ उसे। क्या बात है, तुम लोग इस लड़की के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? और की कौन है बीच में बोलने वाली? ये हमारा आपस का मामला है। वो तो दिख ही रहा है, मुझे बचा लो, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे ये सब नहीं करना है। बाहर कौन चलेगा? तुम्हारा मरा हुआ बाप, चल यहाँ से, जाओ, छोड़ दे। ए, ज़्यादा बीच में दखलंदाजी नहीं, यहाँ जाकर अपना धंधा देख। और तू कौन सी सती सावित्री है जो आगे मुंह उठा के रुक कैसे ने? तुमने सही कहा, मैं कोई सती सावित्री नहीं हूँ, लेकिन एक औरत होकर एक लड़की को क्यों धंधे में ढकेल रही हो? तो ठीक है, तुम्हारे कहने से इसे नहीं भेजूंगी, लेकिन क्या घर का खर्चा तुम लोगी? बोल, तू देगी पैसा? हे मत, 50,000 देने का बस हो गया? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब क्या हो गया? साफ सुन गया? अब यही खड़ी आएगी कि जाएगी यहाँ से? ये लीजिए, मेरे पास 35,000 है। लेकिन मुझे 50,000 चाहिए। लेकिन मेरे पास 35,000 ही है। ठीक है, तब तो इनके साथ इस लड़की को भेजना ही पड़ेगा। नहीं नहीं आप ऐसा मत करिए, अगर आपको भेजना ही है तो मुझे भेज दीजिए, मैं जाने को तैयार हूँ। ये लीजिए, अब आप सब लोग जाइए, ठीक है? अरे रोना मत, रोते नहीं हो, तुम घर जाओ। चले दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, पुलिस की रेड पड़ गई। खोलो दरवाजा, अब क्या होगा? दरवाजा खोलना पड़ेगा, नहीं तो दरवाजा तोड़ दिया। खोलो, अरे साला यासी करता है, तेरे को छोड़ दें, हाँ तुझे छोड़ दूँ, तुझे छोड़ दें, चल साला, हाँ चल मैं दिखाता हूँ तुझे, चल साली धंधा करती है, औरतों का नाम बदनाम करती है, इसे मन नहीं भरता। मैडम मेरी मजबूरी है, मेरा पति एडमिट है, उसके इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। मजबूरी बहाना बनाती है, चल थाने, वहीं तेरी मजबूरी ठीक करती हूँ। भाई साहब उठिए, आपको डिस्चार्ज किया जाएगा। ये लीजिए आपका पैसा। अच्छा, प्रणाम, प्रणाम भैया। श्वेता, सा
करता है प्रणाम। बोलो क्या बात है? मेरी बीवी का क्या कसूर है जो उसे बंद कर दिए? वो तुम्हारी बीवी है? हाँ साहब। अच्छा तो तुम अपनी बीवी से धंधा कराते हो? नहीं नहीं, मेरी बीवी गलत काम नहीं करती है। अरे तेरी बीवी रंगे हाथ पकड़ी गई है, जाओ अगर छुड़ाना चाहते हो तो जाओ किसी वकील के पास। तुम चिंता मत करो, मैं अभी वकील के पास जाता हूँ। ठीक है, अब आप जाइए। ठीक है। वकील साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। क्या बात है? साहब मेरी बीवी को पुलिस पकड़ के ले गई है, आप उसे छोड़ा दीजिए। क्या किया है तुम्हारी बीवी ने? किसी का कत्ल तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं साहब, मेरी बीवी किसी का कत्ल नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि मेरी बीवी धंधा करते हुए पकड़ी गई है। हैं? तुम अपनी बीवी से धंधा करवाते हो? नहीं नहीं साहब, मेरी बीवी तो देवी है, मुझे बचाने के लिए अपने आप को दलदल में धकेल दिया। तो ठीक है, तुम्हारी बीवी को मैं छुड़वा दूंगा, इसके लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? साहब मेरी बीवी को छुड़ा दीजिए। ठीक है, छुड़वा दूंगा, पैसे लेके आओ। हाँ मैं जाता हूँ, पैसा का इंतजाम करता हूँ, मुझे अपनी बीवी को छुड़ाना है, बीवी को छुड़ाना है। मालिक कुछ मदद कर दीजिए, मेरी बीवी को पुलिस पकड़ के ले गई है, उसे छोड़ाना है। आप लोग और यहाँ? अरे हाँ, अरे क्या बताएं, उस दिन दूसरे कस्टमर के यहाँ रेड पड़ गई थी पुलिस की, और हम दोनों पकड़ी गई, अंदर हो गए। और तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा पति कैसा है? अब वो ठीक है, और मुझे छुड़ाने के लिए अब वो पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। अच्छे हैं, वो तुम्हारे लिए सोचते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ